साथियों एक भाइयों हवाएं चलने लगी है, साथियों हवाएं चलने लगी है, अब तो तूफान हमें लाना है। क्या लाना है? हवाएं चलने लगी है, तूफान हमें लाना है। अरे अब हम घर से गुर्द नहीं, अब तो रोड पर खड़े होकर हुकार बनेंगे। क्या करेंगे मेरे साथियों? पिछले लगातार 8 साल से हम लगातार सरकार के प्रतिनिधि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको बहुत सारे लेटर लिखते थे, लेकिन वो लोग लव लेटर समझकर पढ़कर फेंक देते थे। लेकिन मेरे साथियों आज आपने आखिर हिम्मत दिखाई दी। मेरे राजस्थान से, अभी तो पूरे भारत से जो भी यहाँ आए हैं बब्बर शेर, मैं उनको दिल से सलाम करता हूँ। मेरे दोस्तों याद रखना, लड़ाई की शुरुआत ये तो लड़ाई की शुरुआत है। कोई भी लड़ाई लड़ने के लिए हमें बड़ा आंदोलन करना पड़ता है, बड़ा जन सैलाब खड़ा करना पड़ता है, लेकिन आपने तो पहली बाहरी इस पांडाल को खुल कर दिया। यहाँ बहुत लोग आते हैं आंदोलन करने के लिए, लेकिन ऐसा आंदोलन नहीं कर पाते। इसलिए मैं एक बार माड़ी समाज की जयकारा लगाना चाहता हूँ। मेरा माड़ी समाज, मेरे साथियों, हमारी सरकार की जो मुख्य सचिव हैं, उन्होंने हमसे बैठकर बाकायदा पूरा डिस्कस के साथ अच्छे व्यवहार के साथ हमारी मांगे ले ली है। इसके साथ एक कमेटी भी उन्होंने गठित कर दी है। और अरे यार कितनी खुशी की बात है, सालों लग जाते हैं कमेटी गठित करवाने में भी, लेकिन आप लोगों ने जो ताकत दिखाई है ना, वो पहली बार में ही कमेटी गठित हो गई। और सरकार की मैं एक बात बता देता हूँ, प्रशासनिक जो मैन हेड होता है, मालिक होता है जो राजस्थान का,